आज लालू यादव से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं कल ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। जब लालू ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे हैं तो उनकी बेटी मीसा भारती पटना के शक्तिधाम मंदिर पहुंची। क्या कहना है मीसा भारती का और इस मामले में बीजेपी क्या कर रही है, आपको मीसा भारती और रविशंकर प्रसाद के बयान सुनवाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है क्या केंद्रीय एजेंसी लालू जी को जबरदस्ती इस तरीके से फोर्स कर रही है, बार-बार मैडम समन कर रही है? अब आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। मिसा जी क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं 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 नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में, आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मीसा भारती जी, जो कि इस वक्त ईडी दफ्तर के सामने मंदिर में मौजूद है। मीसा जी, आपको क्या ईडी दफ्तर में नहीं जाने दिया और आज की पूछताछ में क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, अंदर तो नहीं जाने दिया, हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सबसे बड़ा एज फैक्टर है, और मैंने रिक्वेस्ट कर दिया बट उन्होंने बीच में अलाउ किया था। उनको दवा देना होता है तो दवा देने मैं गई थी और मैं मेडिसिन उनको दे करके आ गई हूँ, और हमने अफसर से रिक्वेस्ट किया है कि फिर अगर किसी की आवश्यकता होगी, अगर वो अंदर से बुलाएंगे तो हमें परमिशन दें, और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो बुला लेंगे। आज की पूछताछ पर क्या कहना चाहती हैं, जिस तरीके से बुलाया गया है, कल पूरी सत्ता जो है उसका परिवर्तन हुआ है और आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है लैंड कोर्ट जॉब स्कैम मामले में? छोड़िए, इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना? इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है तो ईडी सवाल तो पूछेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दायरा बढ़ता जा रहा है। लालू यादव ईडी की पूछताछ के लिए पहुंचे और वहां पर हमारे सहयोगी अभय पराशर मौजूद हैं। अभय, इस मामले में सीबीआई पहले मामला दर्ज कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी की एंट्री, क्या मायने है? देखिए बिल्कुल पवन, इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहले सीबीआई ने ही मामला दर्ज किया था। प्राइमरी इंक्वायरी से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली में, पटना में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती से सीबीआई ने पूछताछ की थी, गिरफ्तारी हुई थी और इस पूरे मामले के अंदर अब ये जमानत पर है। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल जो की थी, कोर्ट ने उसे आधार बनाया और ईडी ने इसमें एक नया पूरा का पूरा मामला दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का। और उसी मामले के अंदर हम आपको बता दें कि नवंबर 2023 में अमित कात्याल नाम का एक शख्स, जो कि दिल्ली का जो आवास है, जहां पर तेजस्वी यादव एनएफसी का जो आवास है, वहां से एके इन्फो सिस्टम नाम की एक कंपनी जो है वो चला रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई। दो सम्मन पर वो सामने नहीं आया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और ईडी ने अभी तक जांच में ये बताया कि तकरीबन 600 करोड़ रुपए का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसमें सम्मन दिया गया था लालू प्रसाद यादव को, लेकिन वो दिसंबर में नहीं पहुंचे, अपनी तबियत का उन्होंने हवाला दिया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें कहा था कि उनका पटना के अंदर भी एक दफ्तर है, जो कि आप सामने देख रहे हैं, जोनल डायरेक्टर का, प्रवर्तन निदेशालय का पटना का ये दफ्तर है, और यहां पर उन्हें कहा गया कि अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप यहां पर पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद आज, कल ही, जिस तरीके से देखा गया कि जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, तो उसके बाद आज के संबंध पे, जो कि पहले से ही जारी था, जब दिसंबर के संबंध में नहीं गए थे लालू प्रसाद यादव, तो ये संबंध पहले से जारी था। आज लालू प्रसाद यादव तकरीबन 10:45 बजे बड़े अपने भारी समर्थकों के साथ, पूरा हुजूम था इस सड़क पर समर्थकों का, आरजेडी के तमाम विधायक यहां पर मौजूद थे, उनके साथ यहां पर पहुंचे, उनकी बेटी मीसा भारती यहां पर थी, और करीब 11 बजे से लेके अभी 4 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लगातार पूछताछ जारी है। मीसा भारती ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो दवाई देनी थी लालू प्रसाद यादव को, उसके लिए उन्हें अनुमति दी और मीसा भारती दो बार अंदर गई और लालू प्रसाद यादव को दवाई। एक सवाल ये है कि क्या लालू यादव के पीएमएलए के तहत सिर्फ बयान दर्ज करवाए जाएंगे या उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है? हाँ,
देखिए पवन, अभी जिस तरीके से कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी काम करती है उसके हिसाब से फिलहाल ये लगता है कि आज लालू प्रसाद यादव के बयान ही दर्ज कराए जाएंगे, क्योंकि ईडी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पहली बार पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के चांस आज काफी कम लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसी पूरे मामले के अंदर पटना के इसी ईडी के दफ्तर में तेजस्वी यादव को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अमित कात्याल, जो कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब उसे माना जाता था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि एनएफसी वाला जो मकान था जो दिलाया गया था बहुत कम दामों पर, और जो दिल्ली का घर था उसी बिल्कुल से यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 150 करोड़ का बंगला 4 लाख में खरीदा गया है, और इसी को लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हमारे साथ बने रहिए।